असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आगे हमें कॉप ब्रांड वीडियो के साथ एनोनिमस की पब्लिक कल वीडियो नहीं है, इसके लिए बहुत माजरत, बहुत सॉरी। थोड़ा सा मतलब सीन ऐसा होता है, सम टाइम नहीं बन पाता, आपको पता है। अब डेली देखते हो, फिर जब छुट्टी होती है ना, आप समझ जाया करो यार, आपको एनोनिमस फंस गया थोड़ा। कभी फैमिली इशू हो जाता है, कभी नहीं बनता, कुछ भी हो जाता है, वरना मैं डेली ही अपलोड करता हूँ। तो एनोनिमस की पब्लिक ड्रैगन जलाल भैया का प्लेन आया था, तो मैंने सोचा था कि कुछ भी हो, इनसे नहीं मरना, इनको मारना है। होता है ना, आप भी जब प्लेन पर नाम देखते हो तो फिर आप देख रहे हो भाई इस बंदे का प्लेन है, इससे नहीं मरना, इसको मारना है। तो मतलब ऐसा सीन हो गया था कि मैंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि जलाल भैया जहाँ भी मिले इनको मारना है। हम लोग डुओ स्क्वाड खेल रहे थे, और पहले मैंने सोचा कि नोवो जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दूर लगा मुझे, मुझे लगा नहीं कि बंदे आएंगे। मिलिट्री बेस करीब था, तो मैंने फैसला किया पब्लिक मिलिट्री बेस जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सस्ती शायरी सुनाते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो भी लाइक कर देना, क्योंकि मेरी पब्लिक आपकी लाइक्स की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी बहुत चल जाती है, वरना मतलब जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ तो उस हिसाब से बहुत कम आते हैं, लेकिन चलो फिर भी आप लाइक करते हो ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, वीडियो को सपोर्ट मिल जाता है, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना। अर्ज़ किया है कि विंटर होता है ठंडा, समर होता है हॉट, वाह 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 वाह, क्या बात बताइए, जो मेरा ख्याल किसी को पता ही नहीं थी आज तक, है ना, कितनी फजूल बातें आपको एनोनिमस करता है। कि विंटर होता है ठंडा, समर होता है हॉट, बाजी सेल गॉट सस्ती शायरी विद अनोनी, नहीं, सस्ती शायरी टिकटॉक वाली विद अनोनिमस, बाबा जे अनोनिमस को ठोको लाइक बटन। हम आए थे मिलिट्री बेस यानी मुल्तान, और यहाँ पे मुझे एके मिल जाती है, सामने बंदे उतरे थे, मुझे मेरा दिल किया एक आधा खेल निकालूँ, लेकिन भाई ये आयरन साइड से वहाँ मारना तुक्का लग गया तो लग गया, वरना ईजी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ना आके वेट करने लगा, बंदा वहाँ पे रुका हुआ था, कैम करता। अच्छा, मामा हीरदे ने पता क्या किया गाइस, इसको वहाँ पे नेड मिला, इसने ऊपर से उठा के नेड फेंका, मैं नहीं, ये देखो नेड फेंका, ये मुझे पता था इतनी दूर आने वाला है नहीं। अब भाई साहब का नेड जाया हुआ, तो मैं वेट करने लगा, लेकिन भाई साहब बच के निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा जी कब तक भागोगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। यहाँ पे लूट वूट करने लगा, और मुझे शॉट्स पड़े, तो मुझे फिर नज़र आ गया कि छत पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो नीचे चला जाना चाहिए। फिर मैं ज़रा अपनी भलाई के लिए नीचे आ गया, और हमने लूट वगैरह स्टार्ट की पब्लिक। उसके बाद ये दो स्क्वाड होते हैं, इनकी आपस में फाइट हो जाती है, और मैंने ना परफेक्ट थर्ड पार्टी की, परफेक्ट थर्ड पार्टी मतलब जब जाना चाहिए, जब बंदे मरवर जाते हैं ऐसे टाइम पर, ये वाइट सूट वाला मुझे स्पॉट हुआ। और इसने भाई ये रिफ्लेक्स देखो लड़के के, नो मतलब लेट के ट्राई की, हालांकि उसने डैमेज नहीं दिया, बट उसने लेट के एम किया मुझ पर, जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ अच्छा हमारा। अब पब्लिक वहाँ नीचे से बंदा आके ऊपर जाएगा, और पुलिस स्क्वाड को ऑल्डर कर देगा, और बेचारा क्लच मार के खुश हो रहा होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे से मैं आ जाऊँगा। और ऐसे एजेंट भैया को मैंने डाउन किया, और ऐसे दो किल मारे मैंने यहाँ पे, दो स्क्वाड थे, सिर्फ दो किल से दोनों स्क्वाड वाइप हो गए बाबा जी, और फिर हमने मेरे से की लूट, काफ़ी अच्छी लूट थी। और आपको पता है कि एनोनिमस का लॉ है, जो वो हमेशा फॉलो करते हैं, और आप अपनी पब्लिक को ही बोलते हैं कि एनोनिमस पब्लिक लॉ फॉलो किया करो, कि लूट का नो मजाक। आपके टीममेट्स कहें ना भाई स्कोप है, नहीं भाई कोई नहीं है स्कोप, स्कोप एमओ शेमो कोई नहीं है भाई, देखो हम आपको हम आपके पंगे नहीं, हम आपके पक्के संगी हैं, लेकिन लूट का कोई मजाक नहीं बाबा जी। इसके बाद मिलिट्री बेस से हमारे सीधा नोवो यानी कराची बाबा जी, और कराची में अगर हमने देखा बंदे लैंड हुए हैं या नहीं, तो कोई नहीं था। अच्छे से देखने के बाद गैस मैं यहाँ से निकल गया, जोन दूर था, 1500 मीटर जाना था, तो मैंने फ़ौरन से वहाँ से गाड़ी भगाई नोवो से, देखने के बाद कि कोई नहीं है, और सीधा ब्रिज से होता हुआ आगे जा रहा था कि यहाँ पे मुझे रास्ते में दो बंदे मिलने वाले हैं। अच्छा मतलब इन बंदों के नाम मुझे आए थे किल फील्ड में, इन्होंने बंदे मारे थे, अब ये बग्गी भी आ रहे थे, दो थे इनके, दो बंदे कहीं दूर थे, दो ही मतलब एक ही बग्गी मिली होगी तो दो ही आ सकते थे। तो गाइस जैसे मैंने इनको स्पॉट किया ना, मैंने गाड़ी कवर में रोक ली, और यहाँ से हमने ना मतलब आधी फाइट जीत ली, ठीक है, मैं रुक गया, मैंने तो भाई ये शुक्र है मैं बग्गी के नीचे नहीं आया, और इन दोनों को यहाँ पर डाउन किया। अब एक को टीममेट फिनिश करेंगे गाइस, दूसरे को फिस्ट करने के लिए, सॉरी मतलब आपको पता है कि सिर्फ किल्स से ही होते हैं, और गुस्सा दिलाने के लिए टीममेट्स को ऐसा करना पड़ता है, तो मतलब फाइट हुई थी तो मैंने फिस्ट करके मारा, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरा दिल थोड़ा पत्थर दिल हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है ना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अफरीदी भाई अगर आप देख रहे हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब वो ऐसा होता है ना, मतलब आपके टीममेट्स ने कहा वो इसने तुझे फिस्ट किया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ बचाने, फिर ऐसे थोड़े किल्स मिल जाते हैं, वरना यकीन करो इतनी गाड़ी लेके बंदे ढूंढने पड़ते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है भाई क्लासिक में गेम प्ले बनाना, मरते रहते हैं, और समटाइम अगर लक चल रहा हो तो बंदे नहीं मिलते। फिर अभी आपको देखो मैंने क्या क्या देखा, मैंने शेल्टर वाली साइड देखी, मैंने नोवो देखा, मैंने मिलिट्री उतरा वहाँ बंदे मारे, और उसके बाद स्कूल देखा, अपार्टमेंट्स देखे, रॉजॉक देखा, इतनी ज़्यादा सिटीज़ में घूमने के बाद 4 किल हैं सिर्फ, और 39 अलाइव हैं। आगे जाके तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किल मिल जाएंगे, लेकिन पब्लिक आप खुद देखो, तो इसलिए फिस्ट करना पड़ा मुझे कि उनके टीममेट्स भाई गुस्सा गुस्सा करके आएँ। तो मैंने मेल्टा भी देखा था, मतलब इन बगी वहाँ से आई थी ना, मेल्टा में भी कोई नहीं था। तो इतने ज़्यादा सिटीज़ देखने के बाद मैं आ जाता हूँ पिंडी यानी पहुँचिंग की बाबा जी, और ऊपर से बंदे ने मार दी गोलियाँ, मैंने जिगल करके फ़ौरन से गाड़ी ठोकी,
और ये दो बंदे थे, तो मैंने ऊपर रश करने का फैसला किया। अब पब्लिक में इनका साउंड भी ले रहा था। अब इनमें से जो एक बंदा होता वो नीचे जंप कर देता, दूसरा बंदा ऊपर ही होता। मैंने एक नेट निकाला और जैसे मार कर रहा साउंड आ रहा था, तो मैंने ना मुझे पता था कि यहाँ पे नेट हमको फट जाएगा। ये बेचारा ऊपर भागा है और नेट पे भाग गया, नेट बासित, नेट से फट गया मेरा भाई। तो यहाँ पे नेट बासित को मैंने फिनिश किया। पब्लिक उसका जो एक टीममेट था वो नीचे था, और मुझे लगा वो नीचे से नेट कर रहा है, यहाँ पे ये नीचे आ जाता, मुझे लगा था वो नेट कर रहा है, तो मैंने जंप किया उसको मारने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फिर मुझे कंफर्म होता है कि बंदा जंप कर रहा है, तो फिर मैं भाई को नहीं मारता। लेकिन मैं हमेशा मतलब इस चीज़ से आप लोग को बोलता हूँ कि भाई जब फाइट होना एटलीस्ट उस टाइम आप फाइट कर लिया करो, नहीं जंप किया करो। अब भाई जंप कर रहे थे तो मैंने इनको नहीं मारा पब्लिक, मैंने कहा लास्ट में मीटअप करेंगे, शुरू में मतलब मीटअप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मीटअप करते ना पब्लिक और कम अलाइव रह जाते और फिर गेम प्ले नहीं बनता, मीटअप हो जाता लेकिन आप लोग गेम प्ले में भी नहीं आ पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर फाइट होना ना फिर काइंडली आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि फ़ाइट ले लिया करो, वरना आप सेफ खेल के एंड में मीटअप कर लिया करो पब्लिक। अपनी मेहरान गड्डी लेके मैं पचिंकी से निकलने लगा, तो जिनका प्लेन था ना अब होने वाली है हमारी, उनसे फाइट हो रही, काफ़ी लंबी फाइट चली। इन्होंने भाई गोली मारी स्क्वाड हाउस से। अब आप अनोनिमस हाउस में रुके हुए हो और अनोनिमस के शहर में रुके हुए हो और वहाँ से गोलियाँ चला के हमको बुलाओ और हम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक बहुत सोच समझ के बहुत ठंडे दिमाग से फाइट ली मैंने, मुझे पता था पूरा स्क्वाड है और प्लेन वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इनके हाथों मरूँ, तो इसलिए ना मैंने बहुत सोच समझ के फाइट ली। अब मुझे इस जगह का अच्छे से आइडिया है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत खेला हूँ, पचिंकी का घर घर का पता है, बिल्डिंग बिल्डिंग का पता है। छत पे आके इसको डाउन किया फ़ौरन से, और ये वही था जिसका प्लेन था। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि इधर एक और बंदा लेटा हुआ है। पब्लिक देखो मौली की, मौली से भी बच गया और एक बंदा बिल्कुल वॉल पे, मतलब बिल्कुल मुंह पे वॉल पे बैठ के इसको रिवाइव दे रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। नेट गया मैंने, अब ये बंदा रिवाइव हो जाएगा। आप खुद देखो ना, सर नज़र आ रहा है और मुझे लगा नॉक ही पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा और लेटा हुआ था, उसने रिवाइव दे दिया। फ्लेयर भी चलाई हुई थी इन्होंने, लेकिन फ्लेयर मज़े की बात वेरा उसके ऊपर आती है जो हम लूट नहीं सकते। अब मैं आगे जाने लगा तो फिर मुझे पीछे भागना पड़ा क्योंकि पीछे से आ गई थी गाड़ी। अब पीछे भागते भागते जिसका प्लेन था उसी ने मुझे डाउन कर दिया, और ये बंदा अलग था, मतलब फ्लेयर पे सोलो रश करने आया था ये बंदा, और ये बंदा उनका टीममेट भी नहीं था। तो मैंने टीममेट को बोला कि काइंडली ज़रा थोड़ा सा सब्र रखो, होल्ड करो, और मेरी टीममेट ने नॉक दे दिया, ये अच्छी बात थी। फिर मैंने इनको बोला कि सीढ़ियों पे एम करके बैठ जाओ। इनकी पिंग हाई आ रही थी, यहाँ पे 900 पिंग आ रही थी इनकी, तो पिंग ज़्यादा होने की वजह से मुझे डर था कि हम मर ना जाएं। तो मैंने इनको बोला भाई एम करके रखो और आप होल्ड करो, बस मैं फ़ाइट देता हूँ, आप ना नॉक नहीं होना, बस एक जगह पर बैठ जाओ और फिर हम आराम से फाइट निकालने की कोशिश करते हैं। गाइस मैंने फ़ौरन से हील की और इन बंदे ने ना नीचे वाले मेरे टीममेट ने जिसको नॉक किया था ना उसका किल चुरा लिया था। तो फिर मैं वापस से ऊपर छत पे जाता हूँ क्योंकि छत से बहुत साफ एंगल मिल रहा था इनका। तो छत पे आने के बाद गाइस मुझ पे नेड आता है, मेरी हेल्थ हो जाती है कम। तो गाइस यहाँ पे अब कह सकते हो कि इज्जत बेइज्जती वाला मामला हो गया था, तो मैं बड़ा आराम से खेल रहा था, हेल्थ कम है, टीममेट की पिंग हाई आ रही है, और यहाँ पे मुझे लग रहा था ये चार बंदे हैं, बट ये चार नहीं थे, ये थे आई गेस तीन बंदे। फिर से मैं टीममेट को डाउन कर दिया उसने नेट से, क्योंकि वो होल्ड कर रही थी मैंने आपको बोला, और उनका पिंग आई था, तो पैनिक रूम में नेट करके इनको स्पॉट हुआ, इन्होंने नॉक कर दिया। अब मुझे रिवाइव भी देना है, तो रिवाइव से पहले मुझे लाजमी नॉक करना था एक बंदे को, वो मैंने किया, क्योंकि अगर मैं नॉक ना करता तो मतलब ये लोग पुश कर देते और मैं रिवाइव भी ना कर पाता, फाइट हम लोग हार जाते। तो पब्लिक के लिए मैंने एक नॉक किया, बूस्ट मारा, और फिर जब मुझे कंफर्म हो गया कि ये लोग रश नहीं कर रहे, तो फिर मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया, नीचे जंप करके अपने टीममेट को रिवाइव देने का फैसला किया, और इनको दोबारा बोला कि आप काइंडली कोशिश करो कि नॉक नहीं होना, एक जगह पे होल्ड करो जब तक आपका पिंग स्टेबल नहीं होता। और मैं बड़े मतलब सोच लिया था पब्लिक के इनसे फाइट जीतनी ही जीतनी है, चाहे कुछ हो जाए इन लोगों से नहीं मरना। दोबारा से स्क्वाड हाउस पे चढ़ने की मतलब गोल्डन हाउस की छत पे जाने की कोशिश की और स्क्वाड हाउस वालों को डाउन करने की कोशिश की। अब मेरा दिल था कि नॉक कन्फर्म करूँ, क्योंकि ना मेरे पास नेड्स हैं ना मेरे पास मॉलीज हैं, तो फाइट जो है मतलब अब थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अगर नेड होता ना तो नॉक कन्फर्म करना आसान होता। और मस्तियाँ देख रहे हो उनकी, पैन थ्रो करके मारा, मस्ती कर रहे हैं जानबूझ के, शायद ये लोग जानते थे, उन्होंने भी कसम खा ली थी कि मारेंगे। और मस्तियाँ देखो भाई, पैन थ्रो करके मार रहे हैं, मतलब देख रहे हो वो, देख रहे हो नखरे, ईगो नहीं एटीट्यूड देख रहे हो बॉयज़ का, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो बॉयज़ का। लेकिन चलो आप पंगा ले रहे तो फिर पंगा इज़ नॉट चंगा, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा। अब इनका बंदा स्मोकर के साइड पे आ रहा था, और फिर मैंने देखा कैसे उसकी ना टोपी नज़र आ रही है ज़रा सी, फिर मैंने टोपी पे टैप 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 मारा, पहले तो ये बंदा है इसको डाउन किया। अब ये भी गलत जगह आ चुका है, जो ऊपर वाला है अब उसको पकड़ूंगा गाइस, और ऊपर एक नीचे जो है ना वो रिवाइव नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो स्क्वाड हाउस वापस जा सकता है ना रेड पे जा सकता है, क्योंकि अगर जाएगा तो मैं फिनिश कर दूंगा। वो हमारी बिल्डिंग के नीचे आकर रुक गया। अब फिर मैंने यहाँ पे टैप टैप टैप, ये देखो एक लगी ना गोली, इसकी हवा टाइट हो गई, भाग रहा है, इसको भी डाउन कर दिया। अभी बचे था आखिरी बंदा, और यहाँ मैं सच बोलूँ जब मैं गेम खेल रहा था मुझे लग रहा था दो बंदे और दोनों राइट में, तो इसलिए मैं पुश नहीं कर रहा था, क्योंकि चार ही का गैस था मुझे कि भाई ये तीन बंदे जो अच्छे आउटफिट में, एक ही छत पे, तो ये चार बंदे,
लेकिन ये चार नहीं तीन थे, अब दो नॉक कर रखे हैं। अब मुझे पहले पता था नहीं ये आखिरी है, मैं कब का रश कर देता, और ये वही था जिसका प्लेन है। तो मैंने कहा भाई अब इस बंदे को मार के वाला स्क्वाड वाइप करना ही करना है। नया जोन भी बन चुका था, हम लोग जोन में भी नहीं थे, तो पहले तो मैंने सुकून से वेट किया। क्योंकि गाइस देखो ऐसी कोई सिचुएशन हो ना, आपको सब्र करना है, क्योंकि प्रेशर में वो बंदा है, उसके दो बंदे नॉक हैं, आपके पास पोजीशन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास लूट है, उसको उसको प्रेशर आ रहा होगा कि भाई रिवाइव दे आ जा, रिवाइव दे आ जा। ऐसी सिचुएशन हो ना, आप पैनिक ना हो, सब्र से काम लो, क्योंकि सामने वाला भी पैनिक होता है, सामने वाला भी घबराया होता है, और आप उसकी घबराहट का फ़ायदा उठाओ। मैंने टीममेट के साथ बोला कि आज जो रश करते दोनों साथ में, दो सामने दो हमें मार देंगे। उस टाइम मैं ये बात बोल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि एक ही बंदा है, और फिर स्मोक करके ना गाइस वो भागता है। अब देखो वो भागा ना, मुझे भी लग रहा है कि एक और है, फिर मैं यहाँ पे आया तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं वो एक ही था। फिर मैं वापस से स्क्वाड्स में रश करने का फैसला करता हूँ, और इस वीडियो पे खड़ा होगा तो 1v1 फाइट हो जाएगी इसकी मुझसे। मैं ऊपर जाके फौरन इसको डाउन किया, यहाँ पे बाबा जी से मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। ये जो भाई थे जिनका प्लेन था, इसके स्क्वाड को कांध के नीचे लगा के लॉबी भगाया, और फिर मैं ऐसे करेंगे नहीं कि लूट का, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रिएटर्स टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। लेकिन जो हमारा ड्रॉप है, प्लेयर ड्रॉप, वो हम नहीं लूट सकते, वेरा उसके ऊपर था, नेट्स भी नहीं थे। तो पब्लिक यहाँ पे मैं एक और बार नॉक होने वाला हूँ, और ये बड़ा फनी सीन था, बड़े फनी तरीके से मैं नॉक हुआ। आके यहाँ पे रुके थे बंदे थे, लेफ्ट से पड़ी और अंदर भागा यहाँ राइट वाला, तो मैंने फुल लेफ्ट से जाने का फैसला किया। अब मेरी टीममेट ने मुझे कॉल दी थी कि यहाँ पे एक दूर इनका बंदा है। अब वो दूर बंदा मुझे पता नहीं था कि कहाँ दूर बंदा है, क्योंकि उन्होंने मुँह से बताया था, मार्क वाक नहीं किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था उसके पोजीशन का। और वो बंदा मुझे सरप्राइजिंगली नॉक करेगा, मुझे शक होता है, जब तक मैं कंफर्म होता हूँ ना वो बंदा मुझे नॉक कर देता है, क्योंकि उसकी पोजीशन मुझे पता नहीं थी। अब मुझे लगा यहाँ दूर है, मतलब वो वेयरहाउस के पीछे वाली साइड पे, बट वो लेफ्ट पे था। अब मैं यहाँ आके ना गाइस देखता हूँ कि वो कहाँ पर है दूर वाला, तो मुझे शक हुआ कि वो इधर है। वापस आया कंफर्म करने के लिए, पीक ली भाई, उसने मुझे स्पॉट कर रखा था, उसने एम कर रखा था, उसने फौरन से डाउन कर दिया। अब यहाँ प्रेशर आ जाता है जब मैं नॉक होता हूँ ना, बस फिर हमारी टीम पर प्रेशर आया था बहुत ज़्यादा, और यहाँ ना वो रश कर रहे थे पब्लिक, और उनको करना भी चाहिए था, वो तीन बंदे उनको एक साथ रश करना चाहिए था। तो मैं टीममेट को बोला कि रिवाइव छोड़ो, लेफ्ट से बंदा आ रहा है, पहले एक नॉक निकालो इनका, मार्क दे दिया, इन्होंने रिवाइव छोड़ा, जाकर ड्रॉप शॉट मार के भाई मेरी जान बचाई, मिस्टर पठान भैया को नॉक किया। फिर मैंने बोला कि अब रिवाइव कैंसिल नहीं करना, क्योंकि अगर कोई बंदा क्लोज आया ना मैं आपको बोल दूंगा तब कैंसिल करना, वरना मतलब इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं रिवाइव हो जाऊँ और अंदर चला जाऊँ और हील कर लूँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मेरे रिवाइव नहीं छोड़ा, मैं फ़ौरन से अंदर आया पब्लिक, और यहाँ पे फिर नेट निकाला, क्योंकि मुझे साउंड आ रहा था कि बंदा मेरे बिल्कुल घर के सामने आ चुका है। नेट फुल कुक किया पहले यहाँ से फेंकने की ट्राई की, बट वो जब राइट पे आने का साउंड आया तो मैंने राइट पे नेट फेंका। मिस्टर पठान रिवाइव नहीं हुआ था अभी, उसका किल कन्फर्म हो जाता है और उसका दूसरा बंदा नॉक हो जाता है। अब इनका आखिरी बंदा बचा था पब्लिक, ये तीन लोग थे, तो आखिरी की पोजीशन नहीं बताती, मैंने इसको कन्फर्म किया, आगे रश करने के लिए जाने लगा, तो ये अचानक से यहाँ से उठा और मैं स्पॉट करके डाउन किया, मैं टीममेट इसको डैमेज दिया था, तो ये किल मैंने चुराया। सम टाइम आल्सो आई एम किल चोर, बट सम टाइम माई टीममेट इज किल चोर। तो 99 जोकर भैया को डाउन किया, कान के नीचे लगा के लॉबी भगाया, और मजे से विन की करेंगे क्रेट लूट, क्योंकि बाबा जी व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट हैव टू टैप इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। उन्होंने इसको बोली ठोको लाइक बटन, और हील विल की बूस्ट वूस्ट मारा। उसके बाद पब्लिक जो जोन के मिड में कंपाउंड था ना, मैं फौरन से आ गया उन कंपाउंड पे और गाड़ी लाके ठोक दी यहाँ पे। लेकिन 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 यहाँ पे बंदा कोई था नहीं इस टाइम पे, नेट वेट उठाए, और ओपन में जहाँ से हम आए थे वहाँ पे शैक था एक। आपको पता है ये जो ओपन एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शैक होते हैं, पबजी में एरेंगल काफ़ी ज़्यादा खेलते हो गए, आपको अच्छे से आइडिया होगा। पब्लिक उन शैक्स पे फाइट हो जाती है, और शैक का एंगल लेने के लिए मुझे अच्छे से पता है, शैक का एंगल लेने के लिए मुझे अच्छे से पता है पब्लिक के मतलब हमको छत पे जाना चाहिए, इस वाली छत के छत पे भी चढ़ने का रास्ता मुझे पता है, और फिर मतलब पीछे बड़े वाले घर में भी जाके मैं उनको मार सकता, तो ये करीब था मैं इसकी छत पे आया, और यहाँ पे मैंने देखा बंदे कहाँ पर हैं। और पब्लिक देखो कैसे लूट रहे होंगे दोनों मज़े से, वो देखो मुझे लगा पहले बाइक है, फिर मैं गौर किया तो ये बंदे थे। फिर मैं टैप टैप मारा और ऐसे एक को नॉक किया, और फिर दूसरे को भी नॉक कर दिया, ओके दूसरा बच गया जो ज़्यादा लो था वो भाई, देखो जाके कहाँ लेटा हो कि अब ये नॉक होगा, इसको लगा ये कवर में चला गया, लेकिन इसको यहाँ पे नॉक किया, अब दो बंदे इनके नॉक हैं। तो मैंने टीममेट को बोला कि फ़ौरन से आ जाओ, इनको यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा, ओपन से हमने रश किया। अब दो नॉक थे, तो जब तक रिवाइव होते वो लोग हम पहुँच जाते, तो वो रिवाइव हो भी चुके थे सबके सब आई गैस। तो मैं थोड़ा सा क्लोज जाके ना गाइस नेट वगैरह फेंकने लग जाऊंगा, आप ऐसे दूर से नेट थ्रो कर दिया करो, तुक्के भी कर दो, क्योंकि वो पैनिक हुए होते हैं और वो नेट के ऊपर भाग के आ जाते हैं, या मे बी जस्ट रिवाइव हुए होते हैं तो उन्होंने हील नहीं किया होता। अब मैंने यहाँ पे एक और को डाउन किया जो कि रिवाइव हुआ था आई गेस, और फिर दूर से मुझे डीपी पड़ने लगती है पब्लिक, मैं वापस से कवर में आया, पहले मैंने डीपी वाले को मारने का सोचा, उसको स्पॉट किया, स्प्रे मारा, बट 3x था वो, काफ़ी दूर था, मेरी बुलेट कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई टैप टैप मारता हूँ, इसी में भलाई है, तो टैप टैप मारा, और इसके बाद इस बंदे को भी नॉक किया यहाँ पे। जब ये खड़ा हुआ उसको हेड वेड कनेक्ट हुआ, एक बॉडी कनेक्ट हुआ, ये बंदा डाउन हो गया।
दोबारा से नेट थ्रो किया और अब जो है मैंने शेक वालों को खत्म करने का फैसला किया, दो नेट फेंके मैंने, पब्लिक आगे की तरफ कर दिया, रश देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़ाक अच्छे के लिए होगा। और जैसे ही आगे आता है मतलब बाहर निकला बेचारा, कितना पैनिक हुआ, मैंने वो कहा ना पैनिक हो जाते हैं, इसको मेरे टीम मेट ने मारा, किल उनको मिला और अब मेरा सारा फोकस चला जाता है जो डीपी वाला मैंने नॉक किया था उसके किल कन्फर्मेशन पे, कि उसको स्पॉट किया जाए और देखा जाए भाई कहाँ पे है, क्योंकि रिवाइव हो जाएगा तो भाई अपना नुकसान है, मेरे टीम मेट किल चुरा लेंगे, हमारा किल कम हो जाएगा। 13 किल अलहमदिल्ला 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 13 किल हमारे हो चुके थे। फिर मैंने बताया कि इस साइड पर कहीं पर था और मैं देखने लगा, स्पॉट करने लगा, स्कोप ओपन किया, स्कोप ओपन की कि मुझे वो स्पॉट होता है, मुझे लगा ये उसका टीममेट है और ये लेटा हुआ है, बट ये वही बंदा था, नॉक था, इसको मारा। अब इसके जो बाकी टीममेट्स होते हैं पब्लिक वो राइट पे होते हैं, उनको आ जाता गुस्सा, उन्होंने स्प्रे मारा, मैंने भी लेट के थोड़ा स्प्रे दिया, लेकिन वो रिच पे था तो उसको बुलेट नहीं ज़्यादा कनेक्ट होती, वो बच जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे आगे जाने का फैसला किया, टीममेट को बोला कि पहले आ जाओ, इन्होंने बंदा स्पॉट किया था हमारे वाले घरों पे, तो मैंने इनको बोला भाई एक ही जगह फाइट लेते हैं, कभी भी गाइस अगर आप अपने टीममेट्स के साथ खेल रहे हो ना दो जगह फाइट्स मत लो, अलीजान भाई को डाउन किया मैंने, कभी भी दो जगह दो साइड पे फाइट मतलब अलग अलग स्क्वाड से ट्राई करो कि आप सब पूरा स्क्वाड मिलके पहले एक स्क्वाड को मतलब मारो और फिर दूसरे स्क्वाड पे फोकस करो, जिससे आपको ज़्यादा खतरा हो उसको पहले मारो। करीब आके एक को नॉक किया, दूसरे को स्क्वाड करने की कोशिश की और दूसरा घास में मुझे गिली चूरा नजर आया, तो रैंडम स्प्रे मारा स्मोक के अंदर से कवर लेके, क्योंकि मैं अगर ओपन में जाता हूँ मुझे मार देता, तो इसलिए स्मोक के अंदर से हिल हिल के हल्का हल्का स्पॉट देकर उसको डाउन किया बाबा जी। उसके बाद सारा फोकस चला गया घर वाले बंदे पे। अब इनको एक ही बंदा स्पॉट हुआ था, 5 लाइफ थे, 2 बंदे हम थे, तो ये 3v2 की फाइट हो सकती थी और हम लोग ओपन में थे, तो यहाँ पे एज अ कवर यूज़ करने के लिए स्मोक वगैरह थ्रो कर दिया अलग अलग एंगल पे, कि अगर स्प्रे आता है तो हम स्मोक के कवर में हील कर लें या फिर कवर में जा सकें। तो पब्लिक अलग अलग एंगल पे स्मोक फेंकने के बाद देखो अगर वो सामने से आता ना, तो ये अलग अलग एंगल्स पे स्मोक हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं कंपाउंड तक जाने में, इसलिए हमने ये स्मोक किए थे। फिर मेरी टीम ने बताया कि वो उस वाले घर में है, मैंने कहा ओके अच्छी बात है चलो हम साइड से क्लोज इन करते हैं, दोनों ने साथ में रश करने का फैसला किया उस वाले घर में और एम ऊपर ही था मेरा जहाँ से वो मार सकता था। गाइस कभी भी आप जा रहे हो ना लेफ्ट राइट जिगल करो ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो, मतलब लेफ्ट राइट हो के भागो, एम उसी साइड पर रखो जहाँ से पी कर सकते हैं। FPP कर दिया, मेरा दिल था FPP करके इसको मारूं, तो ऊपर आया साइड से जाके, अब उसका साउंड आया कि उसने नीचे जंप कर दिया, तो मैंने भी उसके पीछे जंप किया, पब्लिक वो वहाँ पे भागा और इसको एक दो बुलेट लगी मेरी AKM की राइट से पुश करके ऑग की भाई के पास, और यहाँ पे इसको डाउन किया और ऐसे मुझे इसका किल मिल गया, किलर शेख भैया डाउन हो गया। गाइस अब 4 बंदे लाइव थे और दोनों सोलो सोलो बचे हुए, तो मैं ओपन में रुकना नहीं चाहता था, मैंने कहा कंपाउंड के अंदर जाके हील वील करते हैं, जैसे ही जाने लगा ऊपर से मुझे शॉट्स पड़ते हैं और कवर में आ गया था मैं, लेकिन गंदा शॉट पड़ा और मुझे बंदे की पोजीशन स्पॉट हो गई कि एक ऊपर हिल पे रुका हुआ है, यहाँ पे आके स्पॉट करने के लिए देखा विंडो से तो मुझे वो नज़र आता पत्थर पे। अब यहाँ पे मैंने उसको इतना लो किया बड़े बंदा नॉक नहीं हुआ, फिर मैंने टीममेट को बोला भाई आप रश कर दो मैं कवर देता हूँ, 1 HP होगा ये, ज़्यादा इसकी हेल्थ नहीं है। तो मेरी टीममेट ने लेफ्ट से जाके इसको मार दिया, इसको एक दो बुलेट की इसकी हेल्थ ही होगी, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लो था पब्लिक। इतनी देर में आखिरी बंदा, थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे चाय पीने लग गया था बैठ के, मेरी टीममेट ने आखिरी बंदा स्पॉट किया, तो आखिरी बंदे को फिर हम लोग पैन करने गए, मेरी टीममेट को बोला भाई आप स्मोक कर दो, मेरे पास स्मोक तो है नहीं, मैंने कवर बनाने के लिए सारे कर दिए थे, तो यहाँ पे पैन करते हैं, आखिरी बंदा होता है ना गाइस तो मेरा मतलब फ़ायदा नहीं होता यार, मतलब क्या मतलब आखिरी को इजीली मार सकते थे, वो देखो वहाँ पे नज़र आ रहा है, बट हम दोनों इसको पैन करने लगे और मेरी टीममेट को ना ये अच्छा नूब नहीं था, हाँ थोड़ा मतलब रैंक पुशर था, कैम करके खेल रहा था, लेकिन ये नूब नहीं था, और उसने ना स्मोक के अंदर से मेरी टीममेट को मारा और ये इसको थ्रो करके पैन लगा नहीं पब्लिक, हालांकि मैं इसको गन निकाल के इजीली मार सकता था, बट मैं पंच वंच करने लगा मस्ती करने लगा और ये बेचारा बिल्कुल रीलोड जब उसकी गन हुई इसने मुझे मार दिया भाई, और ऐसे हमारे हाथ से निकल गया विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस वीडियो कैसे लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना, कोई बात बुरी लगती है तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना, और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, बाकी सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको के लिए चुमी बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़।